कपकेक्स दिखाती हूँ, बहुत अमेजिंग बने हैं। सो सबसे पहले 3 कप्स यानी कि जो मेजरिंग कप्स होते हैं, 3 कप्स ऑफ मैदा मैंने लिया है और उसमें मैंने ये 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिक्स कर दिया है, इसे साइड में रख देंगे। अब मैं ले रही हूँ 1.5 कप, ये 1 कप है, 1.5 कप ऑफ दही, इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे और थोड़ी देर में ना ये ऐसे फ्रॉथी सा हो जाएगा, फर्मेंट हो जाएगा, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। जैसे कि मैंने कहा ये एगलेस रेसिपी है तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अवन प्री हीट करने रख दीजिएगा 180 डिग्रीज, ओनली बॉटम हीट, अराउंड 15 मिनट्स। ओके, सो नाउ ये मैंने ले लिया है 1 कप ऑफ नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल, मेजरिंग कप, और इसमें मैं डालूंगी 1.5 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर, ठीक है। ओके, सो अब मैं अपने हैंड मिक्सर से इसे अच्छे से विस्क कर लूँगी, हमें दोनों चीज़ों को थोड़ी देर तक जो है विस्क करना है ताकि एकदम स्मूद अच्छा बैटर बने। तो ये देखिए ये थोड़ी देर हो गई है लेकिन हमें इस लेवल तक इसे विस्क करते रहना है। आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी और बहुत ही प्यारा सा स्मूद एक पेस्ट सा बन गया है। और ये रहा हमारा कर्ड, जो मैंने कहा था ना एकदम फ्रॉथी हो जाएगा, तो एकदम अच्छे से फ्रॉथी हो गया, यानी झाग इसमें अच्छे से आ गई है। अब इस पूरे को जो है हम पहले एक बार मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसे डाल देंगे अपने शुगर और ऑयल वाले बैटर में। ये मैंने डाल दिया पूरा। ओके, अब इसे भी आप अच्छे से विस्क कर लेना, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, एक्चुअली ये बहुत जल्दी जो है दोनों चीज़ें घुल जाएंगी, बस एक स्मूथ बैटर बने तब तक आपको इसे मिक्स करना है। और अब हम डालेंगे वनीला एक्स्ट्रैक्ट, मैं हमेशा ये ब्रांड का वनीला एक्स्ट्रैक्ट यूज़ करती हूँ, ये मुझे अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाता है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ना थिक है तो इसका फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। सो मैं डालूँगी 3 टीस्पून्स ऑफ वनीला एक्स्ट्रैक्ट और इसे अच्छे से हम जो है मिक्स कर लेंगे। और फिर ना शोएब हर बार की तरह आ गए थे मुझे बीच में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो मैं उनसे बातें करते करते ये शॉट लेना भूल गई जब मैंने हमारा जो मैदे का मिक्सचर है वो इसमें डाला। सो ओके, एक बार आपका वनीला एक्सट्रैक्ट अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आप अपने लिक्विड बैटर में जो हमने मैदे और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर रखा था वो डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारा वनीला एगलेस कपकेक्स का जो बैटर है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको कलर करेंगे ताकि वो जो ट्राई कलर मुझे चाहिए वो अच्छे से मिल जाए। सो ये मैं अपने बैटर को ना 3 जगह पे डिवाइड कर रही हूँ और इन तीनों को मैं अलग अलग कलर का डालूँगी। नॉर्मली जब आप बेकिंग में कलर करते हो तो जेल फूड कलर आता है, आप वो यूज़ करते हो, लेकिन आज ना मैंने डिसाइड नहीं किया था तो मैं आज ये वाला फूड कलर ही यूज़ कर रही हूँ। जो मैं राइस वगैरह जब बनाती हूँ, बिरयानी वगैरह बनाती हूँ, तो मैं ये फूड कलर मिक्स करती हूँ। सो ये है ग्रीन, पहले थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एकदम से ज़्यादा डाल दिया तो गड़बड़ ना हो जाए, पहले थोड़ा थोड़ा डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे और देखेंगे कि शेड क्या आ रहा है। और ये ऑरेंज रेड है तो ये इसमें डालते हैं। Okay, now let's mix the two and see. चलो ये तो बहुत ही लाइट है तो मैं इसमें बेफिक्र होकर थोड़ा और डाल सकती हूँ। एक बार आपको अंदाज़ा मिल जाए ना कि आपका कलर कितना डीप है जो आप यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आप उसमें प्रपोर्शन जो है कॉन्फिडेंटली कम ज़्यादा कर सकते हो। अब ये एकदम सही डार्क ग्रीन कलर आएगा जैसा मुझे चाहिए, लेकिन जब भी आप शुरुआत करें आप कम से शुरुआत करें ताकि चीज़ ख़राब ना हो। And here it is! Wow, my saffron color and my green color. ये तो बहुत ही pretty लग रहे हैं दोनों colors. Wow, मज़ा आ गया. और ये मेरा normal white batter. चलिए now time to fill. मैं एकदम randomly इनको fill कर रही हूँ, मैं कोई pattern नहीं रख रही हूँ. किसी में मैंने पहले saffron डाल दिया, फिर green डाल दिया, फिर white डाल दिया, किसी में मैंने उल्टा कर दिया. I've just randomly poured the batter. एंड इसके बाद क्योंकि मुझे इनको वो टूथपिक से स्पायरल करूँगी एंड बस मुझे सिर्फ तीनों कलर्स का ब्लेंड चाहिए था, मुझे कोई एक पैटर्न नहीं चाहिए। सो या हियर आई एम गेटिंग माई कप। आप ऐसी कोई स्टिक या अगर आपके पास टूथपिक है तो आप टूथपिक भी ले सकते हो और उससे इस तरीके से आप
केक को ना स्पाइरल कर दीजिएगा, मतलब गोल गोल ऐसे घुमा दीजिएगा, या रैंडमली कैसे भी आप घुमा सकते हो। ओके, डाल दिए हैं मैंने 12 कपकेक्स, टाइम टू बेक 15 मिनट्स, लोअर हीट 180 डिग्रीज। केक टेस्टिंग टाइम। ओके, ये देखिए पूरी तरह से कुक्ड, ये वाला भी, यस, ये देखिए हमारे ट्राई कलर कपकेक्स, वेनिला कपकेक्स रेडी हो गए हैं, बहुत ही प्रिटी।